खबर अयोध्या से है। सपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे अवधेश प्रसाद ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार की लाचारी एवं लापरवाही के कारण अन्य सभी विभागों की तरह बिजली विभाग भी संवेदनहीन हो गया। वैसे देखा जाए तो पूरे प्रदेश में एक बिजली विभाग की लापरवाही के कारण पिछले कुछ दिनों में काफी मौतें हो चुकी है। इसी कड़ी में मिल्कीपुर इलाके के ही एक और गाँव में एक खेत में करंट उतरा, जिसके कारण खेत में काम कर रहे ओम प्रकाश उसकी चपेट में आकर चिपक गया। उसे चिपका देख उसकी पत्नी छुड़ाने गई और दोनों चिपक गए। आरोप है कि बिजली विभाग को इसकी सूचना कई दिनों से दी जा रही थी कि जमीन में करंट आ रहा है, लेकिन बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार से मांग है कि मृतक अजय कुमार के परिवार को 50 लाख का हर्जाना और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी एवं सभी मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए का हर्जाना दिया जाए। पुरानी विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में जो जनपद पैदावार में है, एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना परसों हुई है। अजय कुमार यादव, जिसकी उम्र मुश्किल से 28 साल की थी, उसके दो नाबालिग बच्चे हैं, एक तो बिल्कुल दुधुआ है और एक 8-10 साल का है। परसों बिजली के खंभे पर लाइन बनाने के लिए चढ़ा हुआ था और विभाग ने सिट डाउन लिया और सिट डाउन लेने के बाद भी बिजली का करंट उसको लग गया। नतीजा हुआ कि बिजली के करंट से नीचे गिर गया ऊपर से, और जहाँ पर उसकी दर्दनाक मौत